शिवपुरी के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सोमवार को शिवपुरी आकर सफाई का जायजा लिया। गंदगी से भरी पड़ी नालियों को देखकर प्रभारी मंत्री ने फावड़ा उठाया और खुद ही नाली साफ करने लगे। उन्होंने पोहरी रोड और बस स्टैंड पर चार जगह सफाई की। तीन स्थान पर सफाई का जायजा लिया। सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रभारी मंत्री तोमर ने कलेक्टर और एसपी से कहा कि निगरानी के लिए एसडीएम और एसडीओपी की ड्यूटी लगाओ। उन्होंने कलेक्टर अनुग्रह पी से कहा कि यदि नगर पालिका सहयोग नहीं कर रही है तो मुझे बताइए। मंत्री ने सफाई को लेकर एसपी राजेश सिंह चंदेल को गंदगी दिखाते हुए बीट प्रभारी के माध्यम से सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए भी कहा। आडी रोड पर पुलिस लाइन जाने वाले मार्ग के पास गाड़ी रोककर नाली को देखने उतर गए। यहाँ मिट्टी कचरे से नाली भरी देखी तो फावड़ा मंगवा लिया और पूरी सफाई करना शुरू कर दी है। देखकर नगरपालिका अध्यक्ष मुन्नालाल कुशवाहा और विधायक सुरेश राज खेड़ा ने भी हाथ में फावड़ा लेकर नाली साफ करना शुरू कर दिया। शिवपुरी से देवेश सैन की रिपोर्ट। काफी आपका वीडियो वायरल हुआ देश भर में, लेकिन आपकी जो मशीनरी है नगर पालिका की, नगर निगमों की, जिनको आप करोड़ों रुपए महीने की तनख्वाह दे रहे हैं, वो किस लिए फिर आप कहाँ कहाँ उतरेंगे, कितनी सफाई करेंगे? मैं आपसे एक आग्रह कर रहा हूँ, मैं आलोचना और पर्याचनाओं में नहीं जाऊँगा। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आपसे और अपन खुद से कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लगे, हम अपने दरवाजे में सफाई स्वयं करने लगे, तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि सरकार के जो अधिकारी सो रहे होंगे वो भी जग जाएंगे। जब हम कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे तो हम दूसरे से अपेक्षा नहीं कर सकते। तो आज प्रद्युम्न सिंह तोमर मंत्री होने के बाद पहले एक इंसान है, और मैं आलोचनाओं में नहीं जाना चाहता, पुराना इतिहास मैं नहीं जाना चाहता, मैं किसी की कमियाँ नहीं गिनाना चाहता। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मेरा लाडला लाडली दिल्ली में जैसे खुले में सांस नहीं ले पा रहा है ना आज, वो हालात सीपी और ग्वालियर और मध्य प्रदेश में पैदा ना हो। इसके लिए मैं प्रिंट मीडिया, सारे धर्मगुरुओं से, राजनीतिक दलों से और शिक्षाविदों से, सभी से अपील करता हूँ कि वास्तविकता में हमको प्रदूषण मुक्त बनाना है, इस शहर को, इस प्रदेश को और स्वच्छ बनाना है। इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी तो मैं नाले में भी जाऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो फावड़ा भी उठाऊंगा, और जरूरत पड़ेगी तो झाड़ू भी उठाऊंगा, और जरूरत पड़ेगी तो शहर की सफाई के लिए लाठी भी उठाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।